हेलो स्टूडेंट, मैं मुकेश सर, 11th स्टैंडर्ड सेकेंड चैप्टर, जो वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स आप बोल सकते हो स्टूडेंट। इस चैप्टर्स के अंदर स्टूडेंट्स हम लोग डबल इंट्री सिस्टम्स ऑफ बुक्स कीपिंग पढ़ेंगे, यहीं पर हम लोग रूल्स पढ़ेंगे, और वो जो रूल्स पढ़ेंगे जिसको हम गोल्डन रूल्स बोलते हैं स्टूडेंट, वही रूल्स आपको एवरीवेयर जहाँ पर आप अकाउंट्स करते हो यूज होगा। उसी रूल्स को ध्यान में रखे स्टूडेंट्स आपको अकाउंट्स यहां से करना है। तो ये वन ऑफ द इंपॉर्टेंट चैप्टर्स पढ़ रहे हो स्टूडेंट्स, अगर यहां पर आपको बेसिक रूल समझ में आ जाता है तो आपको कोई भी क्वेश्चंस करना काफी ज्यादा इजी हो जाएगा। जैसे चैप्टर्स है स्टूडेंट्स, मीनिंग एंड फंडामेंटल ऑफ डबल एंट्री बुक्स कीपिंग, हम लोगों को यहां पर मीनिंग और उसके रूल्स क्या करना है स्टूडेंट्स पढ़ना है। तो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम लोग स्टार्ट करते हैं मीनिंग एंड डेफिनेशन। देखो क्या है, डबल एंट्री बुक्स कीपिंग सिस्टम इज द मोस्ट साइंटिफिक मेथड। स्टूडेंट ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं फर्स्ट चैप्टर्स में, फीचर्स में, कि बुक्स कीपिंग इज एन आर्ट एज वेल एज साइंस। बुक्स कीपिंग एक आर्ट है और उसी के साथ में एक साइंस भी है। तो मोस्ट साइंटिफिक मेथड्स ऑफ रिकॉर्डिंग ऑल मॉनेटरी ट्रांजेक्शन्स इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, सारे मॉनेटरी ट्रांजेक्शन्स को हम लोग रिकॉर्ड करते हैं। दिस सिस्टम ओ इट्स ओरिजिन, मतलब एक कहाँ पे स्टूडेंट्स इसका बर्थ हुआ, इसका ओरिजिन क्या है, कहाँ पे जनरेट हुआ, क्रिएट कहाँ हुआ, इन इटली। तो इसको आप ध्यान में रखना स्टूडेंट, फिलिंग द ब्लैंक्स के लिए एक्सपेक्टेड क्वेश्चन होता है। इन इटली किन्होंने क्रिएट किया, देखो लूका डी बार्गो पासिलो ऑन 10th नवंबर 1494, ध्यान रखना सर, 1494 मतलब अराउंड स्टूडेंट मोर देन 500 इयर्स बिफोर, मतलब ये व्यक्ति कितना इंटेलेक्चुअल होंगे, कितना ज्यादा नॉलेजफुल होंगे। उस समय तो स्टूडेंट उतने सारे बिजनेस भी नहीं होंगे, और उस समय जो उन्होंने अकाउंटिंग रूल्स जनरेट किया आज भी पूरी दुनिया उसी को फॉलो कर रही है। अब यहां पर यह है कि एक मॉडर्न अप्रोच भी है स्टूडेंट, लेकिन मॉडर्न अप्रोच भी मोर और लेस देखोगे तो ट्रेडिशनल के बेसिस पे ही वो प्लस माइनस चलता है। तो इन्होंने देखो अराउंड 500 ईयर बिफोर जो रूल्स इन्होंने जनरेट किया, उस रूल के हिसाब से आज भी हम काम कर रहे हैं, उसी रूल को फॉलो कर रहे हैं। तो देखो इसलिए इस दिन को सेलिब्रेट किया जाता है इंटरनेशनल अकाउंटिंग डे के तौर पे, इसको आप फिलिंग द ब्लैंक्स में एक्सपेक्ट कर सकते हो। दिस सिस्टम्स ऑफ बुक्स कीपिंग इज बेस्ड ऑन द फैक्ट एंड देयर आर टू एस्पेक्ट ऑफ एवरी बिजनेस ट्रांजेक्शन, कोई भी बिजनेस ट्रांजेक्शन होगा उसके अंदर दो एस्पेक्ट होता है जो आगे और हम डिटेल्स पढ़ेंगे, एक डेबिट तो एक आपको मिलेगा क्रेडिट, एक आपको रिसीवर मिलेगा तो एक आपको गिवर मिलेगा, किसी को अगर एक्सपेंस हो रहा है तो किसी के लिए इनकम हो रहा है, किसी को प्रॉफिट हो रहा है तो किसी को लॉस हो रहा है। एवरी बिजनेस ट्रांजेक्शन इन्वॉल्व टू पर्सन और अकाउंट्स और पार्टी। स्टूडेंट आप खुद सोचो कि जब तक किसी ट्रांजेक्शन के अंदर मोर देन वन पर्सन का इन्वॉल्वमेंट न हो वो ट्रांजेक्शन होने वाला नहीं है। वेयर इज वन इज द रिसीवर, रिसीवर ऑफ द बेनिफिट्स एंड अदर इज द गिवर ऑफ द बेनिफिट, जहां पर एक व्यक्ति बेनिफिट ले रहा है दूसरा व्यक्ति बेनिफिट्स दे रहा है। इफ समवन कम इनटू बिजनेस समथिंग गोज आउट फ्रॉम द बिजनेस, अगर बिजनेस के अंदर कुछ आ रहा है स्टूडेंट तो बिजनेस में से कुछ क्या होता है जाता है। रिकॉर्डिंग ऑफ टू एस्पेक्ट ऑफ मॉनेटरी ट्रांजेक्शन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट इन टर्म्स ऑफ, देखो उसी के आगे ये सारा वर्ड्स आप हमेशा यूज करते रहोगे, इसी को हम लोग किस तरीके से रिकॉर्ड करते हैं डेबिट और हम लोग क्या रिकॉर्ड करते हैं क्रेडिट, इज कॉल्ड एज डबल एंट्री सिस्टम। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं स्टूडेंट, डबल एंट्री सिस्टम्स ऑफ बुक्स कीपिंग। तो यहां पर स्टूडेंट्स इसके अंदर जो काफी इंपॉर्टेंट है, एक उस व्यक्ति का नाम कि उसी के बेसिस पे या उसी का बनाया हुआ आप रूल्स और उसी का बनाया हुआ अकाउंट्स आप पढ़ोगे, आपके लिए एक फ्यूचर में चल के आपका एक सक्सेस का सोर्स बनेगा। तो एटलीस्ट उनका एक नाम आपको ध्यान में रहना चाहिए। इस डे को हम लोग इंटरनेशनल डे के तौर पे सेलिब्रेट करते हैं, और अकाउंटिंग रूल्स फाइंड हुआ था स्टूडेंट 10th नवंबर 1494 को इटली में। तो ये इसके अंदर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। अब आगे आप देखोगे स्टूडेंट्स तो इसके अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट आपको पढ़ना है वो पढ़ना है आपको अकाउंटिंग रूल्स, बाकी चीजें मैं फिर आपको कभी एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन जो इस समय आपके लिए नेसेसरी है और इंपॉर्टेंट है वो हम देखते हैं।
स्टूडेंट्स यहाँ पर है क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स। अकाउंट्स क्लासिफिकेशन का मतलब होता है स्टूडेंट बांटना, किस तरीके से अकाउंट्स को बांटा गया। तो अकाउंट्स को स्टूडेंट ये हम ट्रेडिशनल अप्रोच पढ़ रहे हैं स्टूडेंट, मॉडर्न अप्रोच से भी मैं इन चीजों को समझाऊंगा। फर्स्ट वी कंप्लीट द ट्रेडिशनल अप्रोच। तो यहां पर देखोगे स्टूडेंट अकाउंट्स को दो पार्ट में उन्होंने डिवाइड किया, एक है पर्सनल और दूसरा उन्होंने बनाया इम्पर्सनल। मैं हमेशा इस चीज को प्रायोरिटी देता हूं, हमेशा इस चीज को फोकस करने की कोशिश करता हूं कि जहां कहीं पर भी पढ़ते हो आप ईच एंड एवरी वर्ड्स का मीनिंग समझ के पढ़ा करो स्टूडेंट। तो जो लिखा है पर्सनल अकाउंट उसी में उसका एक्सप्लेनेशन भी है स्टूडेंट। पर्सनल का मतलब ही होता है पर्सन, व्यक्ति। तो पर्सनल का मतलब क्या हो गया, वह अकाउंट जिसमें हम लोग व्यक्ति के बारे में पढ़ते हैं स्टूडेंट। और इम्पर्सनल का मतलब क्या हो गया, एक्सेप्ट द व्यक्ति, पर्सन को छोड़कर जो कुछ बचा उन्होंने कहां पे उसको रखा, इम्पर्सनल के अंदर। तो पर्सनल में मैंने बताया स्टूडेंट हम लोग किसके बारे में पढ़ते हैं, व्यक्ति के बारे में, इंडिविजुअल के बारे में। तो इम्पर्सनल में क्या पढ़ते हैं हम लोग, एक्सेप्ट द इंडिविजुअल, अदर देन इंडिविजुअल जो बच गया सब हम पढ़ते हैं इम्पर्सनल के अंदर। अब पर्सनल अकाउंट को स्टूडेंट्स उन्होंने थ्री पार्ट्स किया, एक है नेचुरल पर्सनल, नेक्स्ट वन इज द आर्टिफिशियल एंड थर्ड वन इज द रिप्रेजेंटेटिव। अब स्टूडेंट आप खुद से सोचो कि नेचर का मतलब क्या होता है, नेचुरल का मतलब क्या होता है। तो नेचर का मतलब होता है ऑल दोज थिंग्स व्हिच इज क्रिएटेड बाय गॉड, जिन चीजों को गॉड ने बनाया, जिन चीजों के ऊपर ह्यूमन बींग का कंट्रोल नहीं है, ह्यूमन बींग के लिए उसको क्रिएट करना पॉसिबल नहीं है, ऑल दिस आर द नेचुरल। जैसे हम बोले एयर है, लैंड है, वाटर है, माउंटेन है, ऑक्सीजन है, ऑल दीज आर द नेचुरल थिंग्स। उसी तरीके से स्टूडेंट ह्यूमन बींग का जो बर्थ है हमारा आपका या इस दुनिया में किसी भी इंडिविजुअल का, व्यक्ति का, जीव का जो बर्थ है वो सब किसके अंदर आता है स्टूडेंट, नेचर के अंदर आता है, नेचुरल के अंदर आता है। तो इन शॉर्ट इस नेचुरल अकाउंट्स के अंदर हमको क्या पढ़ना है, अभी जैसे मैंने बताया कि गॉड ने तो बहुत कुछ बनाया लेकिन हम यहाँ पर अकाउंट्स पढ़ रहे हैं, ट्रांजेक्शन्स हो रहा है। मैंने पहले ही क्लियर किया कि ट्रांजेक्शन्स दो लोगों के बीच में होता है। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स हम लोगों को नेचर का मतलब क्या पढ़ना है, नेचुरल का मतलब क्या पढ़ना है। नेचर का मतलब हो गया स्टूडेंट कोई ना कोई व्यक्ति, कोई ना कोई इंडिविजुअल, कोई ना कोई ह्यूमन बींग, वो कोई भी हो सकता है, मैं हो सकता हूँ, आप हो सकते हैं, आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, फ्रेंड्स हो सकता है, दुनिया का कोई भी व्यक्ति हो सकता है। तो व्यक्ति है, पर्सन है, तो किसके अंदर आएगा, नेचुरल के अंदर आएगा, नेचुरल पर्सनल अकाउंट। तो जैसे यहां पर लिखा है सुनीता नाम है, अशोक किसी न किसी व्यक्ति का नाम है, सुहास किसी न किसी व्यक्ति का नाम है। तो किसी भी व्यक्ति का नाम आया, किसी भी पर्सन का नाम आया तो क्या हो जाएगा, नेचुरल पर्सनल अकाउंट। आर्टिफिशियल क्या होता है स्टूडेंट, जैसे मैंने पहले क्लियर किया कि ये सारी चीजें हम पर्सन के अंदर पढ़ रहे हैं, तो आर्टिफिशियल में भी हमको नाम के बारे में ही पढ़ना है। बट आर्टिफिशियल में हमको क्या पढ़ना है, इन आर्टिफिशियल वी स्टडी अबाउट दोज नेम विच वी गेट आफ्टर कंप्लीटिंग सम लीगल फॉर्मेलिटीज, वह सारा नाम जो आपको कोई ना कोई लीगल फॉर्मेलिटीज कंप्लीट करके मिलता है। स्टूडेंट नाम तो है लेकिन वो ह्यूमन बींग का नाम नहीं है, वो किसी व्यक्ति का नाम नहीं है, किसी पर्सन का नाम नहीं है, वो सब किसमें आएगा, आर्टिफिशियल पर्सन के अंदर। किसी कंपनी का नाम, किसी एरिया का नाम, किसी बिजनेस का नाम, आपके स्कूल का नाम, कॉलेज का नाम, एक्सेट्रा। अब आप बोलोगे नहीं सर हमारे कॉलेज का नाम तो किसी न किसी व्यक्ति के नाम पर है। अरे यस स्टूडेंट, कोई भी बिजनेस, कोई भी स्कूल, कोई भी कॉलेज, कोई भी एरिया का नाम किसी न किसी व्यक्ति के नाम पर रहेगा, लेकिन देख आगे कुछ ना कुछ लिखा रहेगा। अभी जैसे फॉर एग्जाम्पल एक्स वाई जेड बंसीधर कॉलेज, अब बंसीधर कॉलेज बंसीधर किसी व्यक्ति का नाम रहेगा लेकिन वो रियल वाले व्यक्ति का नाम बंसीधर कॉलेज नहीं रहेगा, सिर्फ बंसीधर रहेगा, लेकिन इस नाम के साथ तो कॉलेज लग गया ना रे, एक नया आर्टिफिशियल नाम जुड़ गया। तो एनी नेम विच वी गेट आफ्टर कंप्लीटिंग सम लीगल फॉर्मेलिटीज, या मैं ऐसे बोलूं नाम है लेकिन वो ह्यूमन बींग का नाम नहीं है, वो किसी व्यक्ति का नाम नहीं है, वो सब किसके अंदर आएगा, आर्टिफिशियल के अंदर। एंड सेम अभी देखो इसका एग्जाम्पल देखोगे पुणे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। अब यहां पर स्टूडेंट ये पुणे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, आज तक तुमने पुणे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन किसी व्यक्ति का नाम नहीं सुना रहेगा। बैंक ऑफ इंडिया नाम है लेकिन किसी व्यक्ति का नाम नहीं सुना रहेगा। राधिका, राधिका नाम सुना रहेगा लेकिन राधिका स्पोर्ट्स क्लब किसी व्यक्ति का नाम नहीं रखा, नहीं सुना रहेगा।
और ये जितने भी नाम आपको रखना है स्टूडेंट, इसके लिए आपको लीगल फॉर्मेलिटीज कंप्लीट करना पड़ता है। अगर सेम नाम का पहले से कोई एसोसिएशन, कोई बिजनेस, कोई प्लेस अगर है, तो फिर से सेम नाम आपको मिलने वाला नहीं है। आप किसी व्यक्ति का नाम देखो, एक ही नाम कितनी बार रिपीट होता है? राज करके कितने लोग होंगे, सुनीता करके कितने लोग होंगे, अशोक करके कितने लोग होंगे, सुहास करके कितने लोग होंगे? किसी व्यक्ति का नाम रखने के लिए जाकर हमको गवर्नमेंट से पूछने की जरूरत नहीं पड़ती है, अरे मेरे घर में एक बच्चे का बर्थ हुआ, मैं नाम राज रखूं क्या? मेरे घर में एक बच्चे का बर्थ हुआ उसका नाम मैं पूजा रखूं क्या, रानी रखूं क्या? कुछ भी पूछने की जरूरत नहीं। यू आर फ्री, आप कोई भी नाम रख सकते हो। बट आप बिजनेस स्टार्ट करते हो, उसका कोई नाम रखना है तो आपको उसका परमिशन चाहिए। सेम नाम अगर पहले से रजिस्टर्ड रहेगा गवर्नमेंट के पास तो यू विल नॉट गेट, आपको मिलने वाला नहीं है। सेम नाम से कोई बिजनेस कर रहा है, आपने भी सेम नाम रखा और उसने अपना नाम रजिस्टर्ड करके रखा है, तो दैट पर्सन हैव राइट्स टू शूट अगेंस्ट यू, आपके अगेंस्ट वो कोर्ट में जा सकता है, लॉ का हेल्प ले सकता है। तो एनी नेम विच वी गेट आफ्टर कंप्लीटिंग सम लीगल फॉर्मेलिटी स्टूडेंट, वो किसके अंदर आता है? आर्टिफिशियल रिप्रेजेंटेटिव। अब स्टूडेंट, रिप्रेजेंटेटिव का मतलब ही क्या होता है? रिप्रेजेंटेटिव का मतलब कि कोई हमारे बिहाफ में वहां पर कुछ कर रहा है, हमारा रिप्रेजेंटेशन कर रहा है। मतलब इसके अंदर यह है स्टूडेंट कि इसके अंदर भी नाम है लेकिन पर्सन है, ये आर्टिफिशियल और नेचुरल पर्सन का रिप्रेजेंटेटिव होता है लेकिन वो डायरेक्ट दिखकर नहीं आता है स्टूडेंट, वो किसके अंदर आ गया? रिप्रेजेंटेटिव। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अभी मेरे पास कोई पर्सन काम कर रहा था, उसको मुझे सैलरी देना है। अभी मैंने उसका सैलरी 2 मंथ 3 मंथ का नहीं दिया, तो अब यहां पर है, मैं सिर्फ इतना बोलूं, अरे यार मेरे को ना सैलरी देना बाकी है। मैं नाम नहीं बोल रहा हूं, मैं बोल रहा हूं कि मेरे को सैलरी देना बाकी है। अच्छा, मैं सैलरी दूंगा किसको? किसी न किसी व्यक्ति को ही दूंगा सैलरी, किसी न किसी ह्यूमन बीइंग को ही दूंगा। तो इसमें कोई ना कोई ह्यूमन बीइंग आ गया, कोई ना कोई पर्सन आ गया, मतलब वो मैं सैलरी दूंगा, वो इस चीज को प्रेजेंट कर रहा है कि इसमें कोई ना कोई व्यक्ति है, और व्यक्ति है मतलब किस क्या उनसा अकाउंट हो गया स्टूडेंट पर्सनल, लेकिन डायरेक्ट व्यक्ति नहीं दिख रहा है, वो सैलरी आउटस्टैंडिंग सैलरी ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि इसमें कोई ना कोई व्यक्ति है। तो कोई भी ऐसा ट्रांजेक्शन या कोई भी ऐसा चीज जिसके अंदर डायरेक्टली इनडायरेक्टली व्यक्ति हो, उसमें 3-4 ही चीजें स्टूडेंट आपको देखेंगे, आउटस्टैंडिंग हो गया, प्रीपेड्स हो गया, मतलब जहां पर डायरेक्टली वो नेचुरल और आर्टिफिशियल पर्सन दिख के नहीं आ रहे बट उसके अंदर वो है, वो किसके अंदर आ गया? आपको मैंने बताया रिप्रेजेंटेटिव। जैसे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, किसी न किसी व्यक्ति को मुझे पैसा देना है, प्रीपेड एक्सपेंस, मैंने किसी न किसी या तो व्यक्ति या आर्टिफिशियल पर्सन, किसी एसोसिएशन, किसी कंपनी, किसी इंस्टीट्यूट को मैंने ज्यादा पैसा दे के रखा है। इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, मैंने काम नहीं किया, पैसा ले लिया, वो मेरे लिए इनकम नहीं है, अगर काम नहीं कर सका तो मुझे पैसा वापस करना पड़ेगा। मतलब ये सारे ट्रांजेक्शंस या ये सारे वर्डिंग्स किसी न किसी व्यक्ति का होना या किसी न किसी आर्टिफिशियल पर्सन के होने का हम लोगों को इंडिकेशन दे रहा है। इसके लिए एक इसमें आ रहा है स्टूडेंट रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल। नेक्स्ट अकाउंट कौन सा है स्टूडेंट? इम्पर्सनल। मैंने बताया कि पर्सनल के अंदर वी स्टडी अबाउट द पर्सन, तो इम्पर्सनल में क्या पढ़ते हैं? एक्सेप्ट द पर्सन, पर्सन को छोड़कर जो भी बचा, रियल एंड नॉमिनल। अब रियल में स्टूडेंट्स हम लोग पढ़ते हैं प्रॉपर्टी एंड एसेट्स के बारे में। अब प्रॉपर्टी और एसेट्स का मतलब स्टूडेंट कि कोई भी ऐसा, प्रॉपर्टी का मतलब स्टूडेंट, एसेट्स का मतलब कोई भी ऐसा थिंग, कोई भी ऐसी चीज जिसका ओनरशिप बिजनेस के पास है, जिसको बिजनेस कैश में कन्वर्ट कर सकता है, वो सारी चीजें बिजनेस के लिए क्या है स्टूडेंट? एसेट्स है। स्टूडेंट को मैं इस तरीके से समझाता हूं कि मेरे पास से पैसा जा रहा है, उतनी कीमत की वस्तु आ रही है और उस वस्तु का लाइफ मोर देन 1 ईयर है, तो वो सारी चीजें एक तरह से मेरे लिए ना एसेट्स है। जैसे बिजनेस के पास लैंड है, बिल्डिंग है, मशीन है, फर्नीचर है, फैन है, कूलर है, तो ऑल दीज आर द एसेट्स, इसके ओनर बिजनेस है। अगर इन चीजों को बिजनेस अच्छे से यूज करता है, फर्नीचर है, मशीन है, इक्विपमेंट है, लाइफ मोर देन 1 ईयर रहेगा, व्हेनेवर वी सेल कुछ ना कुछ हमको क्या मिलेगा? पैसा मिलेगा। तो ये सारी चीजें बिजनेस के लिए प्रॉपर्टी है, एसेट्स है। अब प्रॉपर्टी और एसेट स्टूडेंट दो तरह का होता है, एक होता है टेंजिबल और एक होता है इनटेंजिबल। टेंजिबल का मतलब दोज एसेट्स व्हिच वी कैन सी,
वी कैन टच, वी कैन मेजर। इनटेंजिबल स्टूडेंट, जिसको हम देख नहीं सकते, टच नहीं कर सकते, मेजर नहीं कर सकते, जस्ट वी कैन कन्वर्ट इनटू कैश, जिसको हम कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब टेंजिबल का एग्जांपल, लैंड हो गया, बिल्डिंग हो गया, प्लांट हो गया, मशीन हो गया, फर्नीचर, ऑल दोज थिंग्स विच वी कैन सी, जो आपको दिखाई देता है, वो सारा प्रॉपर्टी टेंजिबल एसेट्स। इनटेंजिबल प्रॉपर्टी तो है, एसेट्स तो है, आप उसको कैश में भी कन्वर्ट कर सकते हो, बट आप उसको देख नहीं सकते, मेजर नहीं कर सकते। जैसे मैंने गुडविल, इसके पहले भी फर्स्ट चैप्टर में जब मैं गुडविल बता रहा था तो मैंने बताया गुडविल मतलब इमेज, अच्छा नाम। उस अच्छे नाम को हम कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन हम मेजर नहीं कर सकते हैं, अरे इतना स्क्वायर फीट इनका नाम बड़ा है, अरे ये इनका नाम इतना ना सॉफ्ट है, अरे इनका नाम ना बहुत हार्ड है, मतलब उसको फील नहीं कर सकते, टच नहीं कर सकते। वो सारी चीजें किस में आएंगे स्टूडेंट? इनटेंजिबल के अंदर। और नॉमिनल में स्टूडेंट, नॉमिनल में क्या आता है? एक्सपेंसेस, लॉसेस, इनकम और गेन। अब एक्सपेंसेस एंड लॉसेस स्टूडेंट, स्टेशनरी है, परचेज है, एडवर्टाइजमेंट है। अब हम लोग किसी भी तरीके से कोई पैसे खर्च कर रहे हैं स्टूडेंट, हम लोग किसी तरह का कोई बेनिफिट्स ले रहे हैं, कोई हम किसी से सर्विस ले रहे हैं, किसी से हम गुड्स ले रहे हैं और उसका रिटर्न हम उसको दे रहे हैं, दैट इज एक्सपेंस। सेम उसी तरीके से इनकम में क्या हो सकता है कि आपको कहीं से भी पैसा आ रहा है। अब वो ऐसा हो कि बिजनेस से भी पैसा आए या अदर देन बिजनेस भी आ सकता है। जैसे अभी कहीं पर हमारे पास एक्सेस पैसा था, वी डिपॉजिट्स इन द बैंक, वी गेट द इंटरेस्ट। हम लोगों ने किसी के लिए छोटा सा एक काम किया, वी गेट द कमीशन। हमने गुड सेल्स किया, हमको वहां से इनकम मिला। मतलब हमारे पास कहीं से भी पैसा आने का सोर्स है, हमारे पास पैसा आ रहा है, दैट इज इनकम। हमारे पास से पैसा जा रहा है, हम सामने वाले से किसी तरह का कोई बेनिफिट्स ले रहे हैं और उस बेनिफिट्स के रिटर्न में हम लोग उसको पेमेंट कर रहे हैं, दैट इज हमारे लिए एक्सपेंस। अब स्टूडेंट यहां पे प्रॉब्लम से होता है, स्टूडेंट को ये पर्सनल बहुत इजीली समझ में आता है, स्टूडेंट रियल और नॉमिनल के बीच में गलती करता है। तो मैं स्टूडेंट को ऐसे समझाता हूं, मेरे बच्चे, हमारे पास से पैसा गया, उतने कीमत की वस्तु मिली, वस्तु का लाइफ मोर देन वन ईयर, वो सब एसेट्स। मतलब एसेट्स के अंदर क्या हो रहा है, हम खर्च कर ही नहीं रहे हैं, वी एक्सचेंज द मनी, हम अपने पैसे को किसी गुड्स से एक्सचेंज कर रहे हैं। और गुड्स भी कैसा होना चाहिए स्टूडेंट, जिसका लाइफ मोर देन वन ईयर। और अगर हम उसको कुछ टाइम के बाद सेल भी करें तो हम लोग उसको कैश में कन्वर्ट कर सके। जैसे एग्जाम्पल, अब हम लोग यहां से जाके एक टीवी सेट खरीदते हैं। अब हम लोगों ने सपोज एक 50,000 का टीवी खरीदा, तो स्टूडेंट हमने 50 खर्चा नहीं किया, हमने उस पैसे को एक्सचेंज कर दिया टीवी में। हमारे पास पहले 50,000 रुपीज था, करेंसी था गवर्नमेंट का बनाया हुआ, हम टीवी के दुकान में गए। अब हम लोगों ने अपने पॉकेट का पैसा दुकानदार को दिया और 50,000 का हमने टीवी लिया, हमने अपने पैसे को टीवी में एक्सचेंज कर दिया। घर पर हम आते हैं, कोई पूछता है अरे क्या है, हम लोग बोलेंगे टीवी, अरे कितने का है, 50,000, अरे तो 50 पहले भी था, 50 अभी भी है, पहले गवर्नमेंट का बनाया हुआ नोट था, आज हमारे पास क्या है, टीवी है। सुन जाके हम अपने लिए एक फ्लैट खरीदते हैं, चलो एक करोड़ का फ्लैट खरीदा हमारे पास, चलो थोड़ा थोड़ा सेविंग करके 1 करोड़ रुपया था। जब तक वो हमारे पास रुपया था, हमको कोई पूछता था अरे तुम्हारे पास कितना रुपया है, हम लोग बोलते थे एकदम खुशी, अरे आई हैव द 1 करोड़ रुपीज, मेरे पास 1 करोड़ रुपया है। हम लोगों ने जाके एक फ्लैट खरीदा, हमारे पास जो थोड़ा थोड़ा करके सेविंग था 1 करोड़ रुपीज, हमने उस सेलर को दे दिया और उसका फ्लैट हमने ले लिया। स्टूडेंट हमारे पास आज से पहले वो फ्लैट नहीं था जो हम आज खरीदे, और उस आदमी के पास वो पैसा नहीं था जो हमारे पास है। उसके पास करोड़ों क्यों ना हो, लेकिन वो वाला पैसा नहीं था जो हमारे पास है। और हमारे पास पहले से 10 घर क्यों ना हो, लेकिन वो घर नहीं था जिसका ओनर वो है। हमने अपना 1 करोड़ उसको दिया, उसके 1 करोड़ का घर हमने ले लिया, हमने खर्चा नहीं किया, हमने अपने पैसे को घर के रूप में एक्सचेंज कर दिया। दिस इज एसेट्स, ये आपका रियल है। एक्सपेंस, पैसा गया, पैसे का कुछ ना कुछ बेनिफिट्स मिला, बट दैट बेनिफिट्स इज फॉर द टाइम बीइंग ओनली, लेस देन 1 ईयर के लिए। हमारे पास ऐसी कोई चीज ही नहीं जिसको मैं फिर से कैश में कन्वर्ट कर सकूं, वो फॉरएवर के लिए पैसा मेरे पास से चला गया, दैट इज एक्सपेंस। जैसे फॉर एग्जांपल स्टूडेंट, मेरे पास नंबर्स ऑफ लोग काम कर रहे हैं,
हम उनको सैलरी दे रहे हैं, दैट इज एक्सपेंस। मैंने जैन में हमारे वर्कर ने काम किया, हमने उनको सैलरी दिया, हमको उस पैसे का बेनिफिट सिर्फ जैन महीने में ही मिला। फरवरी में काम कराना है, फरवरी में फिर से हमको पैसा देना पड़ेगा, एक्सपेंस है। हमारे ऑफिस में, हमारे कंपनी में इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन है, बीएसटी का एवरी मंथ बिल आता है, हम एवरी मंथ पे करते हैं। अब वहां पर समझो हमने एक 50,000 का टीवी लाया, वो टीवी लास्ट 10 ईयर से हम लोग देख रहे हैं। 50,000 में बीएसटी को पे करूं और बीएसटी वाले को बोलूं कि देखो बीएसटी वाले, मैंने 50,000 का टीवी लाया, लास्ट 10 ईयर से देख रहा हूं, तुमको भी 50,000 रुपीज दे रहा हूं। मेरे ऑफिस में, मेरे फैक्ट्री में 10 ईयर्स तक इलेक्ट्रिसिटी का सप्लाई करते रहना, मेरे से पैसे मत मांगना। बीएसटी ऐसा मानेगा? ये पॉसिबल है? ये पॉसिबल नहीं है। दिस इज एक्सपेंस, मतलब पैसा गया, उसका बेनिफिट्स मिला, लेकिन वो पैसा फॉरएवर के लिए चला गया स्टूडेंट, वो फिर से कैश में कन्वर्ट होने वाला नहीं है, उसका बेनिफिट्स फॉर द टाइम बीइंग ओनली, वो हमारे लिए क्या कहलाएगा स्टूडेंट? एक्सपेंस कहलाएगा। ये ओके? तो आई होप स्टूडेंट्स इसको आपने काफी अच्छे से समझा होगा। अब फिर से मैं रिपीट करूं तो अकाउंट्स दो है, पर्सनल इम्पर्सनल। पर्सनल में स्टूडेंट हम लोग पर्सन के बारे में पढ़ते हैं। पर्सनल अकाउंट्स डिवाइडेड है, नेचुरल है, आर्टिफिशियल है, रिप्रेजेंटेटिव है। नेचुरल के अंदर बताए ना स्टूडेंट्स, हम लोग सिर्फ और सिर्फ किसके बारे में पढ़ेंगे? इंडिविजुअल्स के बारे में, नेम के बारे में। आर्टिफिशियल मैंने बताया, दोज नेम विच वी गेट आफ्टर कंप्लीटिंग सम लीगल फॉर्मेलिटी। नाम है लेकिन वो इंसान का नाम नहीं है स्टूडेंट। एरिया का नाम, प्लेस का नाम, स्कूल का नाम, कॉलेज का नाम, एनी नेम विच वी गेट आफ्टर कंप्लीटिंग लीगल फॉर्मेलिटी। और रिप्रेजेंटेटिव के अंदर मैंने बताया स्टूडेंट, जो नेचुरल और आर्टिफिशियल दोनों को रिप्रेजेंट करता हो, वहां पर वो डायरेक्टली नाम दिखकर नहीं आ रहा है, बट इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं वो कनेक्टेड है। इम्पर्सनल एक्सेप्ट द पर्सन, रियल एंड नॉमिनल। इन रियल वी स्टडी अबाउट द प्रॉपर्टी एंड एसेट्स। प्रॉपर्टी एंड एसेट्स मतलब स्टूडेंट पैसा गया, हमने पैसे को किसी चीज में एक्सचेंज किया, ऐसे चीज से एक्सचेंज किया जिसका बेनिफिट्स मोर देन 1 ईयर। और नॉमिनल में पैसा गया वो फॉरएवर के लिए गया, वी गेट द बेनिफिट्स बट लेस देन 1 ईयर, वो हमारे लिए क्या कहलाएगा? एक्सपेंस कहलाएगा। ये ओके? अब इसी के बेस पर ना स्टूडेंट्स रूल्स है, अकाउंट्स का रूल है। अब अकाउंट्स का अगर रूल मैं बोलूं तो ये देखो स्टूडेंट्स, ये आपने देखा आपका अकाउंट्स, आपने देखा स्टूडेंट्स इस अकाउंट्स को मैंने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया था। एक हो गया आपका पर्सनल, अनदर इज द रियल, एंड थर्ड वन आपने देखा नॉमिनल अकाउंट्स। एवरी अकाउंट्स ए डेबिट ए क्रेडिट, ये आपका डेबिट, ये आपका क्रेडिट, एंड सेम हियर, ये आपका डेबिट और ये आपका क्रेडिट। पर्सनल में क्या होता है स्टूडेंट? रिसीवर डेबिट, गिवर क्रेडिट। रियल में क्या होता है? व्हाट कम्स इन डेबिट, व्हाट गोज आउट क्रेडिट। नॉमिनल में क्या होता है स्टूडेंट? एक्सपेंसेस एंड लॉसेस डेबिट, और हियर इनकम एंड गेन क्रेडिट। तो इस तरीके से देखोगे स्टूडेंट्स अकाउंट्स अब 3 हो गया, पर्सनल रियल नॉमिनल। मैंने एक्सप्लेन किया स्टूडेंट कि पर्सनल में हम लोग किसके बारे में पढ़ते हैं? अबाउट द पर्सन। रियल में क्या पढ़ते हैं? प्रॉपर्टी एंड एसेट्स। नॉमिनल में पढ़ते हैं एक्सपेंसेस लॉसेस इनकम गेन। अब आप कोई भी ट्रांजेक्शंस देखोगे, ट्रांजेक्शंस में पर्सन का इन्वॉल्वमेंट है। अगर वो पर्सन कुछ रिसीव्ड कर रहा है तो डेबिट हो जाएगा, और अगर वो पर्सन कुछ दे रहा है तो क्रेडिट हो जाएगा। रियल में देखोगे स्टूडेंट प्रॉपर्टी एंड एसेट्स, प्रॉपर्टी एंड एसेट्स हमारे पास आ रहा है तो डेबिट हो जाएगा, प्रॉपर्टी एंड एसेट्स हमारे पास से जा रहा है तो क्रेडिट हो जाएगा। आप देखोगे स्टूडेंट एक्सपेंसेस एंड लॉसेस है, आपने कहीं पे कुछ पैसा खर्च किया हुआ है। मैंने एक्सपेंसेस बता दिया स्टूडेंट, पैसा गया, बेनिफिट्स मिला, बट फॉर द टाइम बीइंग के लिए, तो वो आपके लिए डेबिट हो जाएगा। और आपको कहीं से किसी तरह का इनकम हो रहा है, पैसे का इनकमिंग है आपके पास, तो वो आपके लिए इनकम और गेन, तो वो क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा। आई होप
दिस मच एवरी वन अंडरस्टूड स्टूडेंट, ये बेसिक समझना आपके लिए काफी जरूरी है, काफी इंपॉर्टेंट है। अगर ये समझा स्टूडेंट तो आप देखना कि आगे के क्वेश्चन आंसर आपके लिए काफी ज्यादा क्या हो जाएंगे, इजी हो जाएंगे। अदरवाइज ये चैप्टर फिर नहीं समझा तो इट्स वेरी डिफिकल्ट। अब देखो स्टूडेंट, जो मैंने बताया वही यहां पर थोड़ा सा बुक्स में लिखा है, पर्सनल अकाउंट्स, नेचुरल, आर्टिफिशियल, रिप्रेजेंटेटिव। द अकाउंट्स रिलेटिंग टू इंडिविजुअल, जहां पर अकाउंट्स किससे रिलेट करता है, ह्यूमन बीइंग से रिलेट करता है, वो क्या हो गया, नेचुरल। आर्टिफिशियल पर्सनल मीन्स इंक्लूड अकाउंट्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, कोई ऑर्गेनाइजेशन है, एसोसिएशन है एसेट्रा, जैसे बैंक ऑफ महाराष्ट्र, एबीसी एंड कंपनी एसेट्रा। रिप्रेजेंटेटिव, दीज अकाउंट रिप्रेजेंट सर्टन पर्सनल और ग्रुप ऑफ पर्सन इन अ बिजनेस, जो पर्सनल को और आर्टिफिशियल को रिप्रेजेंट करता है स्टूडेंट, वो क्या है, रिप्रेजेंटेटिव। इम्पर्सनल में स्टूडेंट, अदर देन जो पर्सन हम लोग पढ़ते हैं, रियल और नॉमिनल। दिस अकाउंट रिप्रेजेंट एसेट्स एंड प्रॉपर्टी ओन बाय द बिजनेस, कोई प्रॉपर्टी है, कोई एसेट्स है जिसका मालिक ओनर है, वो रियल। अब इसके अंदर टेंजिबल और इनटेंजिबल। टेंजिबल मैंने पहले क्लियर किया, दोज एसेट्स विच वी कैन सी, वी कैन टच, वी कैन मेजर, जिसको कैश में तो कन्वर्ट कर ही सकते हैं, टेंजिबल। इनटेंजिबल टच नहीं कर सकते हो, मेजर नहीं कर सकते हो, फील नहीं कर सकते हो, बट वी कैन कन्वर्ट इन टू कैश, इनटेंजिबल, जिसमें लिमिटेड चीजें हैं, गुडविल है, पेटेंट है, ट्रेडमार्क है, कॉपीराइट। नॉमिनल अकाउंट, द अकाउंट ऑफ एक्सपेंसेस लॉसेस इनकम गेन आर कॉल्ड नॉमिनल अकाउंट्स, इसी को नॉमिनल अकाउंट्स बोलेंगे। वेजेस का अकाउंट्स है, स्टेशनरी है, सैलरी है, डेप्रिसिएशन है, ऑल दीज आर द एक्सपेंस। डेबिट एंड क्रेडिट, लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द अकाउंट ये डेबिट साइड होता है स्टूडेंट, और राइट हैंड साइड आपका क्या होगा, क्रेडिट। तो आई होप स्टूडेंट आपको यहां पर अकाउंट्स के रूल समझ में आए होंगे। तो इस रूल्स को आप स्टूडेंट बार बार रिपीट करो, अगर ये रूल समझा तो आप देखना आपके लिए अकाउंट्स ईजी होगा। अगर मैं फिर से बताऊं तो तीन, पर्सनल, रियल, नॉमिनल, डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट। पर्सनल में रिसीवर डेबिट, गिवर क्रेडिट, रियल में व्हाट कम्स इन डेबिट, व्हाट गोज आउट क्रेडिट, और नॉमिनल में अगर एक्सपेंस एंड लॉसेस है तो नॉमिनल में आएगा एक्सपेंस एंड लॉस डेबिट, और इनकम और गेन क्या होगा, क्रेडिट। थैंक यू स्टूडेंट, अब नेक्स्ट लेक्चर्स में, नेक्स्ट में थ्योरी एक्सप्लेन करूंगा और फर्दर क्वेश्चन आंसर जो भी होगा स्टूडेंट, हम लोग नेक्स्ट लेक्चर्स में देखेंगे। थैंक यू।